ये जो अभी खुला हुआ है 6 इंच का पाइप का इसमें डोर बैंड है और 4 इंच वाला जो पानी वाला है ये इस जगह पे इसको हमने पैक कर दिया। फिर बाद में यहाँ पर तोड़ेगा इस जगह पे तो वो निकल जाएगा इस जगह से। इसमें 6 इंच का पाइप गया है जिसको प्लास्टर पन्ना कर दिया और ये डोर बैंड है पाया नीचे नीचे यहाँ इधर निकला इस चैम्बर में एक इधर से आया। अब इधर जो ये इनलेट है टंकी में जाएगा इधर ये अभी इसका ढक्कन बनाए हैं वो सेफ्टी टैंक का ढक्कन है और वहाँ बना करके रखे हैं ढक्कन इसमें डालने के लिए। पाइप का कनेक्शन कर दिए इसको प्लास्टर पन्ना करेंगे अभी इसको। ये हो गया जाने वाला उधर से एक निकलने वाला उस बगल भी लगा दिया निकलने वाला। निकलने वाले को जहाँ से जाने वाला है यानी कि आउटलेट को इनलेट से 2 इंच डाउन रखा गया है। कल बनाए अंदर घुस करके जाम किए थे पाइप अभी इसको प्लास्टर पन्ना कर देंगे। और इधर नाला बन के तैयार नाला के बगल में थोड़ा सा प्लास्टर बचा हुआ बगल बगल में दूसरे के दीवार से उसको करेंगे आज। ये पाइप जब भी बना रहे हैं अगर दो पाइप अगर आ रहा आमने सामने से तो ये देख रहे हैं जैसे कि एक उधर से आया एक इधर से आया दोनों को आमने सामने नहीं पाइप को करना। कभी भी अगर चैम्बर बना रहे हैं तो सामने आमने सामने खड़े से होना कि उधर से निकलेगा तो उसमें चला जाएगा उधर से निकलेगा उसमें चला जाएगा। तो जब भी अगर इस टाइप का कभी भी बना रहे हैं तो सामने वाला दोनों को आमने सामने नहीं करें। दो पाइप अगर दोनों दो साइड से आ रहा तो चैम्बर बनाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कभी भी अगर बना रहे हैं चैम्बर तो। और अभी ये हमारा चैम्बर प्लास्टर हो चुका है इसके ऊपर अभी फिर पन्ना चढ़ाएंगे यानी कि सीमेंट का घोल डालेंगे तो अच्छी तरीके से फिर ये फिनिशिंग हो जाएगा अच्छी घनचाक होगा। जैसा कि अभी आप देख पा रहे चैम्बर हमने जो बनाया है तो इसको 1 इंच जो है डाउन रखा है जहाँ ये देख रहे हैं ये एक पाइप जैसे एक बगल से आ रहा पानी इसमें एक वाली साइड से एक दूसरे साइड से इधर जा रहा अभी पानी इसमें टंकी में भरने के लिए इसको छोड़ दिया। अभी यहाँ पे ढक्कन लगा ढक्कन लगा इसको जाम करेंगे और पूरे इसको ढलाई कर देंगे। पाइप इसके नीचे नीचे एक लेटिंग वाला पाइप है ऊपर से एक पाइप पानी वाला इस जो इधर से आवेगा देखेंगे ये ऊपर है ये और इधर नाला इसमें यहाँ वहाँ बना हुआ इसको अभी जाम करेंगे पानी वाला पाइप इधर से कि यहाँ पर इस जगह हमने 6 इंच का पाइप लगा दिया अंदर ग्राउंड इधर देख रही है और ये आउटलेट वाला उधर से लेटिंग का इधर वहाँ से उधर से आया इधर और इधर एक ही जगह दोनों निकला एक ही जगह इसलिए निकाल दिया दोनों को आगे जो बाउंड्री टूटेगा आगे तो स्लाइडिंग वाला गेट जो होता है सरकाने वाला गेट वही गेट इसमें लगेगा ताकि बाद में परेशानी नहीं उनको फिर हो सकता बाद में दिक्कत हो जाता वो रहेगा डाउन उस वजह से साइड कर दिया एक ही जगह दोनों को ला करके। अभी इसको हम पूरे ढालेंगे डायरेक्ट मोटर लगा दिया टंकी में ताकि पानी जल्दी से भर जाएगा। इधर अभी खोल करके ही लगा दिया ये लेटरिंग वाला है 6 इंच का पाइप है और ऊपर 4 इंच का पाइप है वो पानी वाला इसमें एक ही बाथरूम का पानी बहेगा इसलिए इसमें 4 इंच का ही दिया गया है। इसको हम अभी पैक कर दिया पन्नी से फिर बाद में जब जरूरी पड़ेगा कभी जाम होगा तो खोल करके चेक कर सकता है इसमें अभी वहाँ जाएगा पानी जा रहा था इसे। हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगता है कमेंट करके आप ज़रूर बताएं और कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। अब इसको आप यहाँ पे जाम करके इसको बंद कर देंगे और फिर इसको ढालेंगे। अभी कल हमने इसको प्लास्टर कर दिया था इसमें पूरा देख रहे हैं ये जो अभी खुला हुआ है 6 इंच का पाइप का इसमें डोर बैंड है और 4 इंच वाला जो पानी वाला है ये इस जगह पर इसको हमने पैक कर दिया। फिर बाद में यहाँ पर तोड़ेगा इस जगह पर तो वो निकल जाएगा इस जगह से। इसमें 6 इंच का पाइप गया है जिसको प्लास्टर पन्ना कर दिया और ये डोर बैंड है बाद में कभी भी लेटिंग जब जाम होगा चेक इसको इसको खोल कर अभी इसको अभी इसलिए खोल कर रखा गया टंकी में पानी डालने के लिए इसमें डायरेक्ट पाइप लगाएंगे इसमें यहाँ पे अभी और उधर देख रहे हैं वहाँ ढक्कन था लेटिंग वाला उसको भी बंद कर दिया है। चैम्बर वाला ढक्कन यहाँ पे है इस जगह पे और उधर नाला है उस बगल इसको एक बना दिया पूरे इसको भी 6 इंच का पाइप इसको भी बना ढक दिया क्योंकि आउटलेट वाला है निकलने वाला बाहर पानी। इसका डोर बैंड यहाँ ये आउटलेट का यानी टंकी का जो आउटलेट है ये बाहर निकलने वाला ये है इसमें भी 6 इंच का पाइप लगा के वहाँ बैंड आके बाहर कर दिया उसको उधर। और अब ये यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया ये मसाला थोड़ा सा बना रहे इधर हम अभी काम करेंगे उधर अंदर रूम में इधर देख रहे रूम में इधर पत्थर लग के इधर क्लियर हो गया नीचे बॉर्डर जो पत्थर में जो बॉर्डर लगा था साइड में बॉर्डर उसमें ज़रा ज़रा प्लास्टर करने के लिए बाकी है उसी को हम रिपेयर करेंगे आज
इधर ये किचन रूम है, इधर गैलरी आपको दिखाते हैं। इधर ये इसको हम कल रिपेयर कर दिए थे, इधर प्लास्टर जो है जरा जरा इसको कर दिए, इधर देख रही है, इसलिए फिर पुट्टी करेगा, फिर पुट्टी करने के लिए आएगा तो उसी के लिए हमने इसको रिपेयर कर दिया। फिर इसी तरीके का जो छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा छूटा हुआ है उसको हम आज रिपेयर करेंगे रूम सब में। हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।